भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने की घटना के बाद निर्माणाधीन मोकामा गंगा नदी पुल के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया है। इस हादसे के बाद निर्माण कंपनी एसपी सिंगल पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों की शिकायत है कि यह पुल भी उद्घाटन के पूर्व ही जमींदोज हो सकती है। उस पर भी कोई दिक्कत है क्या आप लोग? भैया जो कंपनी भागलपुर में है वही कंपनी एसपी सिंगला यहाँ हद्दा और मोकामा में है, तो फिर आप इस पर कैसे यकीन कर रहे हैं? इसी का प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ भी देखभाल कर रहा है, वहाँ भी कर रहा है। जब वहाँ गिर गया तो यहाँ क्या होगा, ये तो भगवान मालिक ने है। जबकि यहाँ पब्लिक का और यहाँ के लेबर के द्वारा हम लोग हमेशा सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर घटिया माल इस ट्रांसपोर्ट में कहीं आता है, कहीं दूसरे जगह उसको नहीं खपाते हैं, तो चले जाओ एसपी सिंगला ले लेगा। ये आम किंग बदंती है यहाँ के मोटर वाहन के लोगों के बीच। कुछ भी उठा के खदान से ले आओ, एसपी सिंगला आपको खपा देगा। तो जब वो घटिया माल ले रहा है और घटिया माल से बना रहा है, इसका तो भगवान मालिक है। आप देख रहे हैं कि देश में अभी किस प्रकार की अराजकता फैली हुई है। कल उड़ीसा में भी यही टेक्नोलॉजी फैल के चलते हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, और वहाँ लोग कुछ ऐसे हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे जिनको देख करके तरस आता है। जहां मातम मनाने का था वहां विभिन्न प्रकार का परिधान बदल। औरंगाबाद जिले के मवारखेड़ा गांव के लोगों ने शराब सेवन के खिलाफ ग्राम सभा का आयोजन किया। सभा का उद्देश्य शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए किया गया था। बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। नव निर्वाचित सरपंच के पति राम प्रवेश पासवान ने कहा कि शराब सेवन करने वाले तथा शराब कारोबारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि अगर ग्राम के कोई भी व्यक्ति शराब के कारोबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभाग को सूचना दिया जाएगा। बैठक यहाँ था। आज हमारे ग्राम में बजरंग सोशल क्लब के प्रांगण में आज हमारे सरपंच पति राम प्रवेश पासवान के द्वारा दारू को लेकर मीटिंग रखा गया, जो ना कोई पिए ना कोई बेचे और ना किसी को पीले देख भंगाई करे उसे पकड़ा दिया जाए। हमारे सरपंच राम प्रवेश उनके ग्रामीण को कहे, दो दिन तक पूरे ग्रामीण को कहे कि भाई मीटिंग रखा गया है दारू को बंद करने के लिए, ताकि हमारे ग्राम में बड़ी घटना हो रहा है दारू को लेकर, और दारू का पिया की बहुत बड़ा हुआ था, लोग बड़ी भंगड़ाई करते थे और दुकान भी ज़्यादा हमारे गांव में बढ़ा हुआ, इसलिए लेकर आज मीटिंग रखा गया। और मीटिंग के दौरान कहा गया भाई, सब लोग शपथ लिया कि ना हम दारू पियेंगे और ना हम दारू पीने देंगे और ना हम बेचने देंगे। बजरंग सोशल क्लब के मैदान में हमारे माँ दुर्गा के प्रांगण में लोग शपथ लिया कि ना पियेंगे ना पीने देंगे ना बेचने देंगे। अगर बेचते हुए पीते हुए धराएंगे तो हम लोग उनको पकड़ कर वीडियो बनाकर उनको हम प्रशासन के हवाले करेंगे, उन्हें हम पटना दिल्ली तक सूचना देंगे, ताकि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि आगे दारू को सेवन न करें और न दूसरों को सेवन करने को कहें। बैठक यहाँ था। आज हमारे ग्राम में बजरंग सोशल क्लब के प्रांगण में आज हमारे सरपंच पति राम प्रवेश पासवान के द्वारा दारू को लेकर मीटिंग रखा गया, जो ना